स्टूडेंट इससे पहले वाली वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा था अब उससे आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है बच्चों अब खेती की नेक्स्ट स्टेज आती है एडिंग मेन्यर्स एंड फर्टिलाइजर्स बच्चों ये खाद सामग्री होती है जो हमें खेतों में इसका उपयोग करना होता है प्लांट्स डिपेंड ऑन द सॉइल फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स बच्चों पौधे मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स होती है उस पर डिपेंड रहते हैं कंटिन्यूस फार्मिंग ऑन द लैंड एग्जॉस्ट द मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द दॉयल बच्चों जब लगातार खेती होती है तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं द सॉयल शुड बी एनरेज विद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स बच्चों हमें ये खाद सामग्री इसमें मिला देनी चाहिए जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ सके मैन एंड फर्टिलाइजर्स आर मेजर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हैंस यूज इन क्रॉप रोटेशन। बच्चों मैन्यस और फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स के मेजर सोर्स हैं और इसकी सहायता से क्रॉप रोटेशन भी चलता है चलिए मेन्योर्स जानते हैं मेन्यस क्या होता है मेनोर्स आर एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑप्टेंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैन्योर्स एक ऑर्गेनिक सब्सेंस होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से डिकम्पोजिज डिकम्पोज recompose करके प्राप्त किया जाता है ठीक है बच्चों रेसिड्यूज विच सप्लाईज इसेंशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एट मेक्स इट मोर फर्टाइल बच्चों ये जो खाद सामग्री होती हैं इनकी जो अवशेष होते हैं कर्ट होते हैं एलिमेंट्स होते हैं जो मिट्टी में सप्लाई किए जाते हैं जिससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बनती है द मैन्यस इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सेंडी सॉइल एंड ड्रेनेज इन क्ले सॉयल बच्चों मेनोर्स से सैंडी सॉइल में तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और क्ले सॉयल में पानी निकलने का भी साधन बन जाता है मतलब पानी का निकास भी हो जाता है मेनोअर्स भी मार्केट में अलग अलग नाम से या अलग अलग क्वालिटी से बेची जाती हैं उनके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जैसे कि फार्मार्ड मेनोर्स ग्रीन मेनोर कम्पोज सी मेन्योर पोल्ट्री मेनोर अब बात करते हैं फार्मार्ड मेनोरस फार्म मेनोर इज़ द मोस्ट वेल्युबल ऑर्गेनिक मेटर कॉमनली अप्लाइड टू द सॉयल इवन द पोरेस्ट फार्मर कैन बी प्रोवाइड दिस मेन्योर टू द दॉयल दिस यूजअली कंसिस्ट ऑफ रेमनेंट्स ऑफ स्टोर लीप्स एंड अदर मटेरियल्स लाइक द एक्सक्रीटा ऑफ कैटल बच्चों सबसे ज़्यादा यूज होने वाली खाद है ये खेतों में सबसे ज़्यादा यूज होती है ये खाद फार्म यार्ड मैन इज मोस्ट वैल्युअर ऑर्गेनिक सबसे वैल्यूर ऑर्गेनिक मेटर है ये और ये शॉयल में इसको आसानी से अप्लाइड किया जा सकता है ठीक है बच्चों इवन द पोरेस्ट फार्मर कैन बी प्रोवाइड दिस मेनोर टू द सोइल जहाँ तक कि पोरेस्ट जो गरीब फार्मर जो होते हैं वो भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि मैगी नहीं होती ज़्यादा दिस यूजली कंसिस्ट रेमडेंट्स ऑफ स्ट्रो लीव्स एंड अदर मटेरियल लाइक एक्सक्रीटा ऑफ केटल बच्चों जो इसमें ऑर्गेनिक पदार्थ मिले होते हैं वो जैसे कि स्ट्रॉ घास पूस घास पूस होता है लीव्स होती हैं और भी मटेरियल होते हैं जैसे कि एसक्रिएटा कैटल जो कैटल का एसक्रिएटा जो होता है ठीक है जैसे कि हिंदी में बोलते हैं इसको मल जो नेक्स्ट आती है ग्रीन मैनोरिंग चलो ये पढ़ते हैं क्या होता है द प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग और फ्लफिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन टू दॉयल फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द फिजिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज सॉयल फर्टिलिटी इज कॉल्ड ग्रीन मेनोरिंग ल्यूमिनियस क्रॉप्स लाइक क्लस्टर बीन्स कापी हॉर्सग्राम ई टी सी आर ग्रोन एज ग्रीन मेनोर क्रॉप्स तो ग्रीन मेनोर ये खेत में ही तैयार की जाती है ये कैसे की जाती है जैसे कि जो छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं तो उन्हीं को क्या किया जाता है उन्हीं को मिट्टी में मिला दिया जाता है है ना? उन्हीं को टर्निंग और फ्लफिंग करके टर्निंग और फ्लफिंग करके उसको मिट्टी में ही मिला दिया जाता है वही उसी को ग्रीन मेन कहते हैं ठीक है बच्चों जैसे कुछ फसल होती हैं जैसे कि जैसे कि लेग्यूमिनस क्रॉप जो है बीन्स कापी हॉर्स हॉर्सग्राम ई टी इन फसलों में ग्रीन मेन्योर्स ही तैयार की जाती है चलिए अब बात करते हैं कंपोस्ट कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कैटल सेट वेस्ट एंड द ऑल द अवेलेबल रिफ्यूज ऑल दीज आर प्रॉपरली मिक्सड टुगेदर एंड कैन बी यूज्ड एज मेन आफ्टर डिकम्पोजिंग और डेकिंग बच्चों कम्पोस्ट एक ऐसी पदार्थ होती है इसमें सभी तरह के सरे गले पदार्थ मिला दिए जाते हैं ठीक है जो भी कैटल वेस्ट होता है कैटल्स का है ना और मैं काफ़ी तरह के जो कूड़ा कचरा जो होता है उन सबको टेके करके काफ़ी सड़ा गला करके मिला दिया जाता है वही पदार्थ कंपोस्ट मैन्योर कहलाता है